हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और जो मैं भागदौड़ कर रही थी, शायद अब वो सफल हो जाएगी और मेरा ऑपरेशन जो है वो होने के चांसेस है। मुझे ऑपरेशन की डेट नहीं मिल रही थी। आप देखिए खुद की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने जो एम्स है, देख लो भाई इसके पास क्या है। तो ऑल इंडिया मेडिकल वालों ने जो मुझे डेट दी ऑपरेशन की, वो दी 2024 की, दी है 22 मार्च की। आपको सोचो 2024 मतलब तीसरा साल, अभी तो ये 2021 चल रहा है, फिर 22, 23, 24, तो 24 में मुझे डेट दी है तीसरे साल की। और अब इतनी लंबी डेट है, मैंने उनसे बोला कि आपने इतनी लंबी डेट दी है, क्यों दी है इतनी लंबी डेट? तो उनका कहना था कि हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं लाइन में कि नंबर आते आते इतने लंबे पर ही पहुँच जाएगा, इतने लंबे टाइम पर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको इतनी लंबी डेट देनी थी तो फिर आपने मेरे सारे टेस्ट क्यों किए, यहाँ तक कि जो पीएसी होती है, प्री एनेस्थीसिया जो टेस्ट होता है वो भी उन्होंने मेरा कर लिया, जो बेहोशी की जांच होती है वो भी कर लिया। आप ये बताइए कि 2 साल बाद भी मेरी बेहोशी की जांच क्या वही रहेगी? चेंज भी तो जाती है। फिर मैं एचओडी सर के पास चली गई थी, उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप 15 दिन बाद आइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि परसों ना मैं सो रही थी और फिर मुझे फिर से अचानक दर्द उठ गया, पथरी वाला, और बहुत पूरी रात भर दर्द हुआ। ऐसा पहली बार हुआ जब पूरी रात भर दर्द हुआ, वरना दर्द होता है और 4 घंटे में 5 घंटे में बंद हो जाता है। लेकिन परसों पहली बार फर्स्ट टाइम दर्द इतना हुआ कि वो बंद नहीं हुआ और बहुत भयानक दर्द हुआ, मैं सो नहीं पाई एक मिनट भी। तो फिर मैं कल अपने हस्बैंड को लेकर छुट्टी करवा के उनकी हॉस्पिटल चली गई। मैं चली गई सरकारी वाला जो छोटा हॉस्पिटल होता है, जो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर किसी सरकारी अस्पताल में आपको ऑपरेशन की डेट मिलती है 1 महीने के बाद की, 1 महीने से ज़्यादा की, तो आपका दिल्ली के किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन फ्री होगा, और वो होगा दिल्ली आरोग्य कोष के अंतर्गत। ये एक योजना चलाई जा रही है, दिल्ली आरोग्य कोष, DAK जिसको कहा जाता है। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि आप मेरा DAK से लिख के दीजिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द मुझे हर रोज़ होता है, मेरा जो स्टोन है वो फट वगैरह जाएगी, पथरी मेरा गॉल ब्लैडर, तो फिर मेरे मरने की नौबत आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप दिखाइए, आपने टेस्ट करवाए। तो सारे टेस्ट तो मैंने ऑल इंडिया मेडिकल से करवाई लिए थे। तो बेहोशी की जांच भी उन्होंने कहा कि आपने हमारे यहाँ से कराई। मैंने कहा नहीं, मैंने वो एम्स से परसों करवाई थी। तो उन्होंने कहा दिखाइए। जब मैंने वो दिखाई तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से भी एक ये PAC यानी कि बेहोशी की जांच करवा लीजिए, हम आपको DAK लिख कर दे देंगे। तो फिर जब मैंने वो बेहोशी की जांच वहां से करवा ली, तो फिर उसके बाद वो DAK का जो था उन्होंने मुझे लिख कर दे दिया फाइनली, और मुझे बहुत खुशी हुई। और अब मुझे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर लिए, HOD सर के साइन भी हो गए। कल मैं सुबह की घर से निकली हुई, हस्बैंड वाइफ, हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस सुबह एक कप चाय पी के हम लोग निकल गए थे। शाम को 4 बजे घर पे आए हम, लेकिन ये था कि 4 बजे आए, हमारा सारा काम हो गया, हमारी मेहनत सफल हो गई। तो उन्होंने साइन करके दे दिया HOD सर ने। तो मेरे कागज़ अब जमा हो गए हैं, वो मुझे मिलेंगे थर्सडे को। उन्होंने कहा कि थर्सडे को आप आइए और अपने कागज़ ले जाइए। मैंने पूछा कि सर कौन से हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको लिस्ट दूंगा हॉस्पिटल्स की, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। अब देखते हैं मेरा किस हॉस्पिटल में होगा, कौन सी लिस्ट मुझे दी जाएगी। मैं चाहती हूँ मेरा जो ऑपरेशन है वो या तो मैक्स हॉस्पिटल में हो जाए, क्योंकि वो सुपर स्पेशलिटी अच्छा हॉस्पिटल है। मैं तो चाहती थी मेरा सरकारी में हो, एम्स में, लेकिन मुझे डेट ही नहीं मिली, नंबर ही नहीं मिल रहा। और HOD सर ने कहा कि 15 दिन बाद आना। मैं फिर से 15 दिन बाद जाऊँ तो मुझे, मैं इतनी VIP नहीं हूँ कि मुझे अगले दिन की डेट मिल जाएगी, हो सकता है 1 महीने बाद की, 1.5 महीने, 2 महीने बाद की डेट मिले। तो यही है कि मैं चाहती हूँ मेरा या तो मैक्स में हो जाए, वो मेरे घर के पास है, या फिर मेरा बत्रा हॉस्पिटल में हो जाए, वो मेरा घर के बिल्कुल पास है, यहाँ पर रोड, बस 1-10 रुपये का रिक्शा लेना है, बत्रा हॉस्पिटल में पहुँच जाऊँगी। तो ये है, आने जाने में सहूलियत हो जाएगी, हस्बैंड को भी मेरे छुट्टी करनी पड़ेगी जब ऑपरेशन होगा। तो ये है कि वीरवार को पता चल जाएगा कि मेरे जो ऑपरेशन है वो किस हॉस्पिटल में होगा और कैसे होगा, क्योंकि इस ऑपरेशन का जो खर्चा है किसी भी बड़े अस्पताल में 70-80 हज़ार रुपये लगभग आता है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन अगर मैं किसी गली पड़ोस के क्लिनिक में करवाऊंगी 25-30 हज़ार रुपये में हो जाएगा, 30-35 हज़ार में। लेकिन अच्छे बड़े हॉस्पिटल में आप करवाते हैं तो फिर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। हमारी तो खैर औकात ही नहीं कि हम किसी बड़े हॉस्पिटल में करवाएं, क्योंकि अभी हमने घर लिया है, आप जानते हैं हमारा इतना बजट नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे स्कूल का बच्चे के स्कूल की जो फीस है वो भी नहीं भर पा रही हूँ मैं। कोई हमारी अदर इनकम भी नहीं है, सेकेंड इनकम, और तो सेकेंड इनकम सोर्स भी नहीं। अभी हमने घर लिया है, यहाँ तक कि हमारे घर में चादर पड़ी हुई है, हम लेंटर भी नहीं डाल पाए, कर्जा इतना है हमारा 5-6 साल, हमें कर्जा उतारना है। पहले तुम लोग आराम से बैठो यहाँ पे, चल बैठ जा आराम से, ठीक है। तो फिर यही है कि बस मेरा ऑपरेशन हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, खाना पेट भर के नहीं खा सकते, अगर पेट भर के खाना खा लिया तो स्वेलिंग आ जाएगी, यहाँ पर स्टमक में स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा,
वॉमिटिंग आती है, जॉन्डिक्स होने का डर है, और जॉन्डिक्स हो जाए तो बहुत खतरा है, फिर ऑपरेशन होने में भी दिक्कत आती है। तो ये सब बातें हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, पहले ही मेरे दो ऑपरेशन हो चुके हैं क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन के थ्रू ही हुए थे, तो अब ये तीसरा ऑपरेशन मुझे झेलना पड़ेगा। अब पता चला कि जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी इसलिए होनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जैसी मेरे साथ हुई, तो एक औरत कितने ऑपरेशन झेलेगी। मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरा जो वेट है वो 36 kg आया है, वो भी मैं अपनी डाइट में मैंने चेंज किया है तब, तो इतने कम वजन में फिर मैं कितने ऑपरेशन मेरा शरीर झेलेगा, कमजोर शरीर है, कितने ऑपरेशन मैं झेल पाऊंगी। तो यही है कि औरत की अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो फिर आगे जाके फ्यूचर में कोई उसको बीमारी वगैरह कुछ होता है तो ऑपरेशन होने में दिक्कत नहीं होती है। अब पहले से दो ऑपरेशन करवा के बैठ गई हूँ, तीसरा ऑपरेशन ये हो रहा है, सोचा नहीं था कि तीसरा ऑपरेशन भी झेलना पड़ेगा, बस सोचा था कि, लेकिन कहते हैं ना हाथ में सब कुछ नहीं होता है, मैंने तो 1% भी नहीं सोचा था कि मेरा कभी लाइफ में मुझे कोई और ऑपरेशन कराना भी पड़ेगा। पहले ही दो ऑपरेशन हो चुके थे, सोचा छुट्टी हो गई है ना, लाइफ हो गई अच्छी, अब दो बच्चे हो गए हैं, दो ऑपरेशन हो गए हैं, अब खत्म कहानी। लेकिन कहानी खत्म कहाँ होती है, कहानी चलती है, और कहानी चलती है ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कभी चलती ही नहीं है, तो बीमारी कभी बताकर नहीं आती भाई। और यही है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो प्लीज़ आप नॉर्मल डिलीवरी करवाइए, इंसिस्ट मत कीजिए कि ऑपरेशन ही हो, ऐसी ही एक्सरसाइज वगैरह कीजिए कि जिससे डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो, ऑपरेशन ना हो, क्योंकि ऑपरेशन बेकार होता है, क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाएगा। अब फिर से थर्सडे को हॉस्पिटल जाना है और देखते हैं क्या होगा कैसे होगा, बस मेरा ऑपरेशन ठीक से हो जाए, मेरे छोटे बच्चे, अगर कोई दिक्कत होती है, कहते हैं ना माँ के अलावा बच्चों को कोई अच्छे से नहीं देख सकता, एक दिन के लिए हॉस्पिटल में बच्चों को छोड़कर जाती हूँ, उसी में मेरे बच्चों का हाल ख़राब हो जाता है, क्योंकि नानी है, मामी है, कोई भी है, बच्चों को इतने अच्छे तरीके से नहीं देख सकते जितने अच्छे तरीके से एक माँ देखती है। हाँ, वो अच्छी केयर करते हैं, लेकिन अपनी माँ जो बच्चे को जिस तरीके से केयर करती है वो कोई भी अदर पर्सन नहीं कर सकता, चाहे वो पापा ही क्यों ना हो, या वो दादी क्यों ना हो, नानी क्यों ना हो, मामी क्यों ना हो, चाची क्यों ना हो, माँ से अच्छा कोई बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता है। तो यही है, थोड़ा सा डर इसीलिए लगता है कि बच्चे छोटे हैं, कोई बात हो गई, कुछ हो गया तो क्या होगा। तो पहले तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन ले रही थी, बहुत दुख हो रहा था कि ऑपरेशन होगा कैसे होगा क्या होगा। और अब जब मैंने इतने धक्के खा लिए, मुझे ऑपरेशन की ही डेट नहीं मिल रही है, दर्द होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, तो अब मुझे ये लग रहा है बस ऑपरेशन मेरा फटाफट हो जाए। तो यही है, बस इतने हॉस्पिटल्स के मैंने धक्के खाए हैं, क्या क्या कैसे हुआ, जब मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ऑपरेशन किसी बड़े अस्पताल में हो जाएगा बिल्कुल ऑफ कोर्स फ्री, तो सारी डिटेल मैं आपको भी बताऊंगी कि दिल्ली में किस तरह से ये फ्री सर्जरीज होती है और क्या इसके लिए करना पड़ता है, क्या भागदौड़ करनी पड़ती है, क्या थोड़ा सा आपको सेंस यूज़ करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब आपका काम होता है, नहीं तो आप फिर रोते रहो, भागते रहो, कुछ नहीं होने वाला, मर जाओगे ना, तब भी किसी को तरस नहीं आने वाला सरकारी अस्पताल में कि आप मर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, कोई तरस नहीं खाता है। तो यही है, आपका थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी भाग दौड़ आपको अच्छा आपके लिए हो सकता है। तो बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो बताऊंगी आपको कि कौन से हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन होना है। बस आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, मैं सही सलामत अपने घर पर आ जाऊँ बिल्कुल ठीक ठाक, और मुझे आगे कोई बीमारी ना हो। और सबके लिए प्रे करती हूँ, भगवान किसी को भी कोई बीमारी ना दे, भले खाना खाने को कम मिल जाए, लेकिन बीमारी गरीब आदमी को तो कभी भी ना हो, गरीब क्या पैसे वाले को भी, किसी को भी बीमारी कभी ना दे भगवान।